गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर सिक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है हम कई बार यूज़ करते हैं टर्म इकोनॉमी हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तब हम इकोनॉमी वर्ड यूज़ कर रहे हैं या हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तब हम इकोनॉमी वर्ड यूज करते हैं हम जीडीपी की बात करते हैं हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ये डम बार बार आपने सुनी होगी इकोनॉमी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है इकोनॉमी का मतलब है होता है वो स्ट्रक्चर जो ये डिसाइड करता है कि जो कंट्री के रिसोर्स हैं उन्हें कौन यूटिलाइज करेगा उनके रिगार्डिंग डिसीजन कौन लेगा क्या प्रोड्यूस करना है क्या प्रोड्यूस नहीं करना है ऑक्यूपेशन लोगों का कैसे डिसाइड होगा और जिसके थ्रू जो लोग हैं अपनी लिविंग को वो ऑन करेंगे तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमी इकोनॉमी का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपनी लिविंग को ऑन करते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है डिफरेंस है बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है वो रूल्स वो रेगुलेशंस वो नॉर्म्स वो स्टैंडर्ड्स वो इंस्टीट्यूशंस जो डायरेक्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमी को तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ड्स ऑफ निकोलसन एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सोशल फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गोल्स एंड इंसेंटिव्स दैट गवर्न इकोनॉमिक रिलेशनशिप फ्रेमवर्क फॉर हमने बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक, एक जो ये करेगी कि आपके रिसोर्सिस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होने हैं इम्प्लॉयमेंट कैसे होना है रिसोर्सिस को ओन कैसे करना है लोग किस इम्प्लॉयमेंट के थ्रू काम करेंगे किस ऑक्यूपेशन में काम करेंगे और उन सबके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं जो नॉर्म्स हैं रूल्स हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जो डायरेक्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर को उसे हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं एक है कैपिटलिज्म दूसरा है सोशलिज्म और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी डिफरेंट इयर्स में जब हम आज से अगर पचास या साठ या सत्तर साल पहले की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनको एडोप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग जो उन्हें बेनिफिट लगा या उन्हें नुकसान लगा उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे सिस्टम्स पर शिफ्ट भी हुए हैं तो कैपिटलिज्म सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की जो कैपिटलिज्म का ओरिजिन है और ग्रोथ है हमें मिलता है एटीन सेंचुरी में आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था इंग्लैंड में और अदर नेशंस ऑफ यूरोप में कैपिटलिज्म का मतलब है वो इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं प्रॉफिट मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव होता है और वही गाइडिंग प्रिंसिपल होता है सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और जो अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लेबर है वो भी एक सेलेबल कॉमोडिटी होती है तो सिंपल सी अगर हम बात करें कि कैपिटलिज्म का क्या मतलब है कैपिटलिज्म का मतलब है कि वो सिस्टम जहां पर जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेटली ओन की जा सकती है और जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस है वो प्राइवेटली लिए जाते हैं इसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंडर जो भी प्रोड्यूसर्स सेलर्स बायर्स एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स कंज्यूमर्स एक्सेट्रा हैं वो लीगल फ्रीडम एंजॉय करते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन में एंटर करने के लिए या किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए ये जो सिस्टम है वो प्रिवेल करता है इंग्लैंड जापान अमेरिका एक्सेट्रा जो है इसके एग्जाम्पल्स इकोनॉमीज के जहां पे ये सिस्टम प्रिवेल करता है देन मेन फीचर्स क्या हैं कैपिटलिज्म के सबसे पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके पास राइट right होती है कि वो होल्ड कर सकते हैं यूज कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसी भी मैनर में जिसमें वो पसंद करते हैं ये राइट right जो है लोगों की वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट से सभी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है मशीन्स टूल्स लैंड माइन्स वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं कैपिटलिस्ट जो हैं वो एंजॉय करते हैं फ्रीडम बाय और सेल करने की कोई भी प्रॉपर्टी वो अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और अगर पर्सन की डेथ हो गई तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके सक्सेसर्स को ही मिलेगी तो अंडर कैपिटलिज्म सोशल प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है जैसे आपके जो रोड्स हैं रेलवेज हैं पब्लिक पार्क्स हैं लाइब्रेरीज हैं हॉस्पिटल्स हैं यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा हैं उन्हें गवर्नमेंट ओन करती है और पूरी सोसाइटी ओन करती है तो इस सोशल प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है हमारा प्राइस मैकेनिज्म जो अंडर कैपिटलिज्म है जो प्राइस मैकेनिज्म है वो गाइड करेगा प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है कि जो प्राइस डिटरमिन्ड होगा प्रोडक्ट्स का वो डिटरमिन होगा जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज हैं, उससे जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में प्रिवेल कर रही है और उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करेगा प्रोड्यूसर्स को ये डिसाइड करने में कि क्या प्रोड्यूस करना है कैसे प्रोड्यूस करना है कब प्रोड्यूस करना है कहाँ प्रोड्यूस करना है और ये प्राइस मैकेनिज्म की ही वजह से है कि जो मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई तो जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कंजम्पशन प्रोडक्शन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट सेविंग उन सबको डायरेक्ट करता है प्राइस मैकेनिज्म नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज हर एक इंडिविजुअल जो है वो फ्री है अपने ऑफ प्रोडक्शन को उस मैनर मैनर में में यूज करने के लिए जिस वो वो चाहता है है बिजनेस भी कर सकता इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकता है किसी भी साइज की किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस पर जो एंटरप्रेन्योर है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग कि उसे कब क्या कहा कितना प्रोड्यूस करना है इंटरप्रेन्योर फ्री है ये डिसाइड करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए कि क्या ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन उसने चूज करना है कीपिंग इन व्यू हिज रिसोर्सिज एबिलिटी स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट है वो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करती है नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं हर एक कॉमोडिटी के और वो सारे प्रोड्यूसर्स कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ तो कंपटीशन इंक्रीज होता है एफिशिएंसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की इंक्रीज होती है कस्टमर्स को ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं एट लोअर प्राइस नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना डिफरेंट इकोनॉमिक को परफॉर्म करके आपको उन एक्टिविटीज में लगाते हैं जहां से उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके नेक्स्ट इज सॉवरिटी ऑफ कंज्यूमर कैपिटलिज्म में कंज्यूमर सॉवरन है सॉवरन मतलब इनडिपेंडेंट है जो भी इंटायर प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है वो बेस्ड होता है ऑन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने फंड्स उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाते हैं है, जिनकी डिमांड कंज्यूमर्स करते हैं क्योंकि कंज्यूमर जब कंज्यूम करता है तो जो चीज उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी उसी की वो डिमांड करेगा नेक्स्ट इज लेबर एज अ कॉमोडिटी जिस तरीके से बाकी जो चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं वो आपकी कॉमोडिटी है जैसे जो भी आपका मटेरियल है मशीन है उसी तरीके से जो लेबर है वो भी एक कॉमोडिटी है यहाँ पर और उसे भी बॉट एंड सोल्ड किया जा सकता है लेबर मार्केट में क्योंकि पीपल जिनके पास कैपिटल नहीं है या अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो वो अपने लेबर का यूज करते हैं और वो अपने लेबर को सेल कर सकते हैं अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए और जो मैक्सिमम एक्सप्लाटेशन ऑफ लेबर होता है वो इसी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में होता है जिसे हम वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो ग्रेटेस्ट मैरिट है कैपिटलिज्म का वो ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं यहाँ पर आप प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड लाइकिंग्स ऑफ द कंज्यूमर्स न्यू टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो हैं इनोवेट किए जाते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके जो डिमांड है कंज्यूमर्स की नेसेसरीज के लिए कंफर्ट्स के लिए लग्जरीज के लिए वो मीट आउट की जाती है प्रोडक्शन को डायवर्सिफाई करके नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सिस सभी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, उनका मेन फोकस होता है ऑन अर्निंग प्रॉफिट तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में उनका ऑप्टिमम यूज होता है और वेस्टेजिस को अवॉइड किया जाता है नेक्स्ट इज इंड्यूसमेंट टू वर्क लॉट ऑफ इंड्यूसमेंट टू वर्क होता है अंडर कैपिटलिज्म इंड्यूसमेंट टू वर्क मतलब जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स uh, हैं या जो भी उनके जो रिसोर्सेज uh, हैं उन सबको आप बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमम लेवल पर फुल मोटिवेशन के साथ आप उन्हें वर्क में लगाते हो ताकि जो आपका टारगेट है प्रॉफिट मोटिव का वो आप अचीव कर सको जो ऑनरशिप है प्राइवेट प्रॉपर्टी की लॉज ऑफ सक्सेशन है वो स्ट्यूमलेट करते हैं लोगों के अंदर इस डिजायर को कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सको ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सको तो इंड्यूसमेंट टू वर्क का मतलब है यहाँ पर कि लोग मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए द नेक्स्ट इज योर एफिशेंट प्रोडक्शन क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है इस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में तो हर एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कोशिश यही रहती है कि वो बेटर क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है वो करे और ज्यादा ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाए अपने कॉम्पिटेटर के कंपैरिजन में मॉडर्न और लेबर सेविंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको एक्सप्लोर किया जाता है ताकि क्वालिटेटिव सुपेरिटी आपके गुड्स को मिले जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है इंप्रूवमेंट होती है प्रोडक्टिविटी में ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नीड्स को कैटर करने के लिए कंज्यूमर गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो लार्ज स्केल पे तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट वो कम हो जाती है और आप उन्हें कम प्राइस पर बेच सकते हो दे नेक्स्ट इज योर ऑटोमेटिक जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है जो बैलेंस है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई वो अपने आप मेंटेन होता है अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की इकोनॉमी में ज्यादा है सप्लाई से तो जो नए प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं उस प्रोडक्ट को और जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं तो ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो कैपिटलिज्म है वो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को और प्राइवेट एंटरप्राइज को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हार्ड वर्क करते हैं एफिशिएंटली वर्क करते हैं कंपटीशन जो है वो सोल है कैपिटलिज्म का और यही मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर्स को एफिशियंट बनने के लिए कॉम्पिटेंट और डायनेमिक बनने के लिए नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फ्रीडम हर एक जो एंटरप्रेन्योर है वो इकोनॉमिक फ्रीडम एंजॉय करता है अंडर कैपिटलिज्म ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर हर एक जो सिटीजन है उस कंट्री का जहाँ पे कैपिटलिज्म करती है वो इकोनॉमिक फ्रीडम एंजॉय करता है अपना इनकम हर एक पर्सन अपने तरीके से स्पेंड कर सकता है प्रोड्यूसर फ्री है अपने रिसोर्सेस को यूज करने के लिए प्रोडक्शन में कोई भी टाइप की गुड जो वो पसंद करता है या सर्विस कोई हिंड्रेंस नहीं है इन दी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो ये थे हमारे मैरिट्स कैपिटलिज्म के नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डी मैरिट्स क्या है कैपिटलिज्म के इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच